शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मंत्री बनने के बाद चौपाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का मई माह के पहले सप्ताह में दौरा प्रस्तावित है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान वे स्कूल में मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। ये जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हरीश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि मई माह के पहले सप्ताह में शिक्षा मंत्री का नेरवा दौरा प्रस्तावित है। स्कूल प्रबंधन उनके स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। मंत्री रोहित ठाकुर स्कूल के होनहार छात्रों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के कार्यरत और उच्च पदों से आसीन इसी स्कूल से निकले मोतियों को भी सम्मानित करेंगे। इस विषय को लेकर प्रधानाचार्य हरीश शर्मा बीते रोज व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं। और क्या कुछ कहते हैं हरीश शर्मा, आइए सुनते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने पिछले हफ्ते ही यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव श्री रजनीश किमटा जी से बात की थी और कहा था कि विद्यालय का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह करना चाह रहा है और साथ में ही उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत एक मल्टीपर्पज हॉल स्कूल में बना है उसका इनोग्रेशन भी करना चाह रहा है। उसके लिए हमने किमटा जी से आग्रह किया था कि आप प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी को विद्यालय में लाए ताकि वो यहाँ के जो मेरिटोरियस छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी सम्मानित करें और साथ में जो हमारा ये भवन यहाँ पे तैयार हुआ है इसका इनोग्रेशन भी करें। तो मई के पहले सप्ताह में ये टेंटेटिव डेट है, 6 से 8 के बीच उनका प्रोग्राम बनना यहाँ तय हुआ है और अभी 10 मिनट पहले ही मेरी आदरणीय रजनीश किमटा जी से बात हुई। वो स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। उन्होंने कहा है कि मंडे को वो आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलेंगे, मंडे या ट्यूजडे जो मंत्री का जो टूर प्रोग्राम है उसकी कॉपी मिल जाएगी तो हम उसकी जानकारी आपको अवश्य दे देंगे।